डाइटिंग की वजह से थोड़ा इतना ही खाना पड़ेगा कम कम। अगर डाइटिंग भी ना होती तो पकौड़ा नान खा रही होती हूँ, साथ में कड़क दूध पत्ती। कोका कोला कोका तेरी अख विच पैंदा कोका तेरी नक ऐसे उल्टा जैसे हुकूमत उल्टाई जाती है। हाँ यूँ उल्टा कैसे नहीं पिघलेगा, मोहब्बत की जुबान बोलो पिघल जाएगा। बिना मसाले के ना बात अच्छी लगती है ना मछली, हर चीज़ में मसाला लगाना चाहिए। अच्छा मछली तैयार है। ये कराची नहीं है कि डिकेटी हो गए। चिकन चिकन बिरयानी मटन कड़ो माम मटन जानी मखन लजीज चिकन चल पड़ेगी चिकन हरी मिर्च बदामी चीज तलकी बड़ी शाशलिक बड़ी शवरमा चिकन बिरयानी पनीर। आज हुमा जो है ना यूज़ करेगी मेरे ख्याल से। हाँ चार है पिन एंटर करना, यहाँ से नहीं। यहाँ कैश भी करते हैं, नहीं कैश विड्रॉ फास्ट कैश नई चीज़ है, ये ना करें। अच्छा हेल्पलाइन फ़ोन कर दो। ये यस हमसे लेना चाहे, जल्दी छुपाओ जल्दी इसको छुपा लो ना जल्दी करो। ये कराची नहीं है कि डिकेटी हो गया। सैनिटाइजर ख़त्म हुआ वो सैनिटाइजर। अच्छा आज बन रहे हैं घर में पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, बैंगन के और पालक के पकौड़े भी हैं। अच्छा ओहो मैं गलती से यहाँ से खाने लगी थी, हाथ जल जाना था, यहाँ से खाना था, मैं गलती से उसमें हाथ डाल दी थी कढ़ाई में खाने के। अब बारिश होती है तो लोग पकौड़े खाते हैं, बारिश हो नहीं रही है हम सोच रहे हम पकौड़े क्यों ना खाएं। बारिश हो नहीं रही सोच रहे हम तो पकौड़े खाएं, बारिश अपने टाइम पर नहीं आई हम तो अपने टाइम से पकौड़े खाएं। हमारा शेफ ना खाना कितना ही पकाता है आधे ज़्यादा खा लेता है साथ साथ पकाते पकाते ही। उसको 1 किलो आलू दिए थे, आधा किलो आलू खा चुका है। और मैं आई मैंने उसको ये देखा यहाँ पे 20 मिर्चें थी, 2 हरी मिर्चें ऐसी खा गए। ये मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ। वैसे तो मेरे घर वाले बहुत ही बोरिंग खाना बनाते हैं लेकिन जब मैंने डाइटिंग करनी हो ना उसी वक्त इनको ऐसे से खाने सूझते हैं। ये देखो क्या बना रहे हैं खाना। अब मैं अपनी प्लेट लेकर जा रही हूँ। अच्छा मेरी प्लेट तो तैयार है, अभी तो मैं डाइटिंग पे इसलिए कम खा रही हूँ और मेरी दोस्त हुमा भी डाइटिंग पे, वो तो सुबह से सूप ही रही है लेकिन मैं जो हूँ अब ये खाने लगी हूँ। तो डाइटिंग की वजह से थोड़ा इतना ही खाना पड़ेगा कम कम। अगर डाइटिंग पे ना होती तो पकौड़ा नान खा रही होती हूँ, साथ में कड़क दूध पत्ती। इस पे लिखा हुआ है कुक इट फ्लिप इट शेयर इट, कुक नहीं किया कुक कर लिया फ्लिप इट नहीं किया, फ्लिप कर क्योंकि इस पे फ्लिप इट लिखा हुआ है और शेयर भी करने को कहा है। अब इंस्टाग्राम पे शेयर करना है या फेसबुक पे? अच्छा मेरे साथ शेयर करना है। इसके साथ आप कुक कर रहे हैं? उसके साथ शेयर। ये तो अच्छा बन गया फ्रेंच टोस्ट के माफिक। कुक इट फ्लिप इट शेयर इट, शेयर आपने इसको इंस्टाग्राम पे करना है या दोस्तों के साथ शेयर करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो पैनकेक्स बनाना सीख रहे हैं? सीख रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। आज पहली अटेम्प्ट है हमारी, देख कैसे बनाते हैं। उल्टा दो, उल्टा दे, डिस उल्टा, ऐसे उल्टा जैसे हुकूमत उल्टाई जाती है। हाँ यूँ उल्टा, वैसे बन गया है। हम तो पैनकेक्स का बिजनेस कर सकते हैं। वाह 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 हमें तो बड़ा अच्छा। नीचे से क्या है, हम तो कोका पाउडर मिलाते हैं, कोका पाउडर लेके आ। वाह नीचे से मोटा क्यों है? अब कोका पाउडर वाला पैनकेक, कोका पाउडर ज़्यादा नहीं डालें? नहीं ठीक है, फ्लोर डाल दो। अच्छा ये एक तो रेडी हो गया पैनकेक, सॉफ्ट है तोड़ के देखते हैं। देख मीठा कितना है। ये है कोका वाला, चॉकलेट वाला। कोका कोला तू। ये हो गया जी कोका पाउडर वाला पैनकेक रेडी। ये तो बहुत बड़ा पैनकेक, तो पराठा बन रहा है, पैनकेक नहीं पराठा है कोका पाउडर के साथ। कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा कोका, ये तो पराठा बना दिया चॉकलेट पराठा। ये तो आई होप के भी ऐसे ही होते हैं। इसकी सासू माँ माफ कर दीजिए, न्यूटेला पिघलना कैसे नहीं पिघलेगा, मोहब्बत की जुबान बोलो पिघल जाएगा।
अच्छा, दो पैनकेक्स बने और बर्तन कितने इस्तेमाल किए हैं? ओए हो, इतने बर्तन खराब कर दिए, ये भी बर्तन खराब कर दिया। दो पैनकेक्स के पीछे ये सारा इसने गंद मचाया है, ये सारा गंद, ये सारा गंद। ये बिल्कुल जाया नहीं करनी चॉकलेट, खबरदार जाया की चॉकलेट। ये मली मछली है, राहू है या थैला मछली, रेड स्नैपर के सैलमन। ये मसाला है और ये है मछली। बिना मसाले के ना बात अच्छी लगती है ना मछली। हर चीज में मसाला लगाना चाहिए। तैयारियां पक्की हैं, तैयारियां पक्की हैं। अच्छा, फाइनली मछली तैयार होने वाली है। अच्छा जी, ये होगी पापा की प्लेट। अच्छा जी, ये हो गई मेरी प्लेट रेडी और अब मैं खाने लगी हूँ और किसी से बात नहीं करूंगी।